नमस्कार दोस्तों, बजट 2023 से सीनियर सिटीजन्स की अपेक्षाएं किस प्रकार फुलफिल होती हैं, या दूसरे शब्दों में बोलूं तो बजट 2023 ने सीनियर सिटीजन्स को क्या क्या दिया है, ये एक बहुत बड़ा डिस्कशन इन दिनों सीनियर सिटीजन कम्युनिटी में चल रहा है। और आज की इस वीडियो के थ्रू दोस्तों, इनकम टैक्स से रिलेटेड आस्पेक्ट या थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आस्पेक्ट जो सीनियर सिटीजन से रिलेटेड है इस बजट 2023 से आता है वो आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये मानते हुए कि मेरी इस वीडियो को ज्यादातर सीनियर सिटीजन देखेंगे या आप अपने सीनियर सिटीजन माता पिता के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए इसे देखेंगे, तो मैं सबसे पहले उन सभी सीनियर सिटीजन को जिनसे ये वीडियो रिलेट करती है अपना अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। अब आपके सामने ये बात रखने जा रहा हूं दोस्तों कि सीनियर सिटीजन के पॉइंट ऑफ व्यू ओल्ड रिजीम में क्या व्यवस्था ऑलरेडी थी और यही व्यवस्था ऑलरेडी चालू भी रहेगी। क्या अगर कोई व्यक्ति सीनियर सिटीजन है और भारत के रेजिडेंट है जिनकी उम्र रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर में 60 साल या उससे ज्यादा है परंतु 80 साल से कम है, उनको 3 लाख तक की टोटल इनकम पर नील टैक्स लायबिलिटी, 3 लाख से 5 लाख तक दोस्तों 5%, 5 लाख से 10 लाख के बीच की इनकम पर 20% और 10 लाख से ऊपर की इनकम पर एज अ सीनियर सिटीजन 30% टैक्स लायबिलिटी देना। यदि ऐसे सीनियर सिटीजन जो 80 इयर्स या प्लस हैं, उनको 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स लायबिलिटी एग्जम थी, 5 से 10 के बीच उन्हें 20% टैक्स देना था और 10 लाख से ऊपर उन्हें 30% टैक्स देना था। यह वित्त व्यवस्था वित्त वर्ष 2022-23 तक भी थी और क्योंकि ओल्ड स्कीम में कोई बदलाव नहीं हुए तो सीनियर सिटीजन्स के ओल्ड स्कीम की ये जो स्लैब रेट्स मैंने डिस्कस करी वो यथावत रहेंगी इवन फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए। अब सबसे महत्वपूर्ण चर्चा जो आती है वो है कि नई रिजीम में कुछ चेंजेस हुए जो भारत सरकार ने घोषणा करी। ये नई रिजीम में दोस्तों जो चेंजेस हुए, प्रेजेंट वर्सेज रिवाइज रिजीम क्या है वो आपके सामने रख रहा हूं, जो कि एक नॉन सीनियर सिटीजन के लिए भी लागू है और जो सीनियर सिटीजन के लिए भी इक्वली लागू है। यानी अगर कोई सीनियर सिटीजन वित्त वर्ष 22-23 में न्यू स्लैब रिजीम में आते तो उनको 2.5 लाख तक नील टैक्स देना था, 2.5 से 5 के बीच की इनकम पर 5%, 5 लाख से 7.5 लाख तक 10%, 7.5 से 10 लाख पे 15%, 10 से 12.5 लाख की इनकम पर 20%, 12.5 से 15 लाख की इनकम पर 25% और 15 लाख से ऊपर 30%। भारत सरकार ने 3 लाख रुपए की एक मिनिमम थ्रेशोल्ड कर दी एग्जम्प्ट लिमिट सभी के लिए, चाहे सीनियर सिटीजन हो चाहे नॉन सीनियर सिटीजन हो, वहां तक नील टैक्स लायबिलिटी लगेगी न्यू रिजीम में। 3 लाख से ऊपर 6 लाख की इनकम पर उन्हें 5% टैक्स देना है, 6 से 9 पर 10%, 9 से 12 पर 15%, 12 से 15 पर 20% और 15 लाख से ऊपर की इनकम पर सीनियर सिटीजन एसएससी को भी 30% टैक्स देना पड़ेगा। मैं पुनः रिपीट करूंगा कि चाहे आप सीनियर सिटीजन हैं, नॉन सीनियर सिटीजन हैं, पुरानी न्यू रिजीम भी आपको इक्वली ट्रीट करती थी और नई रिजीम भी आपको इक्वली ट्रीट करती है। देखिए दोस्तों, आपके सामने कंपेरेटिव एनालिसिस बाय एग्जाम्पल रख रहा हूं कि यदि कोई सीनियर सिटीजन जिनकी आयु 60 साल या उससे अधिक हो रिलेवेंट वित्त वर्ष में, लेकिन 80 साल से कम हो, और मैं एक एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहा हूं कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 में उनकी इनकम पर कैसे टैक्स लगेगा और पहले कैसे टैक्स लगता था और अब अगर वो न्यू स्लैब में आते हैं तो क्या टैक्स लगेगा, ओल्ड स्लैब में क्या टैक्स लगेगा। एक उदाहरण के लिए मैंने माना कि मान लीजिए कोई सीनियर सिटीजन है जिनकी उम्र 65 साल है, उन्हें पेंशन से 10 लाख की इनकम हुई, उनको रेंटल इनकम 1,20,000 की आई, उन्हें इंटरेस्ट रिसीव्ड या ड्यू हुआ एफडीज पर सेविंग बैंक अकाउंट पे 3 लाख का, इनकम फ्रॉम डिविडेंड 1 लाख रुपए हुई, टोटल उनको 15,20,000 की इनकम होती है। ये एक केवल मैंने एज्यूम करके डेटा यहां पर रखा है कि आपके सामने कुछ अंतर के बिंदु ला सकूं। देखिए, यदि ये सीनियर सिटीजन ओल्ड स्लैब में आते हैं, चाहे वो वित्त वर्ष 23-24 में ही क्यों ना आए, तो उनको सर 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है अपने 10 लाख की पेंशन इनकम पर, तो मैंने 9,50,000 का फिगर लिया। रेंटल इनकम पर 1,20,000 में आपको 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, बाकी का 54,000 टैक्सेबल होगा। इंटरेस्ट इनकम 3 लाख पूरी मैंने ली, डिविडेंड इनकम पूरी 1 लाख ली, तो सीनियर सिटीजन की ग्रॉस टोटल इनकम हुई 14,34,000। मैं मान लेता हूं सर ये सीनियर सिटीजन महोदय 1,50,000 का एटीसी में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं,
एटीटीटीबी में उन्होंने 50,000 रुपए का ऑलरेडी उन्हें डिडक्शन मिलेगा फॉर द सेविंग बैंक इंटरेस्ट और एफडी इंटरेस्ट। फाइनली उनकी टोटल इनकम निकल कर के आई 12,34,000 और टैक्स ऑन टोटल इनकम दोस्तों बना 1,80,200। ये कब? यदि वो वित्त वर्ष 23-24 के लिए भी ओल्ड स्कीम में रहते हैं तो। अगर मान लीजिए वो न्यू स्लैब रेट जो कि वित्त वर्ष 22-23 तक लागू थी, जो कि एग्जिस्टिंग कहलाती है, अगर उसमें ही रहते तो उन्हें कितना टैक्स एक्स्ट्रा देना पड़ता है, शॉर्ट देना पड़ता सर? क्योंकि पुरानी जो न्यू स्लैब रेट थी, मैं पुराना वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं कि वित्त वर्ष 22-23 तक की स्लैब रेट अलग थी, और जब मैं रिवाइज वर्ड यूज कर रहा हूं तो मैं उसे वित्त वर्ष 23-24 से मान रहा हूं। तो वित्त वर्ष 22-23 तक उन्हें 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू स्लैब रेट में नहीं मिलता था। रेंटल इनकम 84,000, 3 लाख का इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम 1 लाख, टोटल उनकी ग्रॉस टोटल इनकम हुई 14,84,000। फिर क्योंकि वो न्यू स्लैब में है तो ना तो एटीसी मिला ना उन्हें एटीटीटीबी मिला, तो फाइनली उनकी टोटल इनकम रह गई 14,84,000 और उनको टैक्स देना पड़ेगा 1,83,500, यानी उन्हें 3,300 रुपए का टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा कंपेयर टू ओल्ड स्लैब। तो इन सीनियर सिटीजन को लगेगा कि नहीं नहीं मुझे ओल्ड स्लैब में ही रहना है, मुझे न्यू स्लैब में नहीं जाना। मान लेते हैं अगर वो न्यू स्लैब रेट रिवाइज में जाना चाहे तो उन्हें क्या बेनिफिट होगा, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट व्यवस्था है जो आपको समझनी है। उस केस में दोस्तों आप देखिए, उन्हें स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट मिला 50,000 का, यानी 9,50,000 की पेंशन इनकम रही, 84,000 रेंट, 3 लाख का इंटरेस्ट, 1 लाख रुपए की डिविडेंड इनकम, 14,34,000 रुपीज अब उनकी ग्रॉस टोटल इनकम हुई। अगेन एटीसी नहीं मिलेगा, अगेन एटीटीटीबी नहीं मिलेगा। और आप बोलेंगे कि अनुप जी कोई और डिडक्शन? सर एटीडीबी सीनियर सिटीजन को नहीं मिलेगा न्यू स्लैब रेट में। अब फाइनली उनकी टोटल इनकम रहती है 14,34,000, परंतु नए स्लैब जिसमें 3 लाख तक की इनकम पर जीरो टैक्स लायबिलिटी है, 3 से 6 लाख तक 5%, 6 से 9 तक 10%, 9 से 12 तक 15%, 12 से 15 के बीच में 20%, और अबाउ दैट इनकम आएगी तो 30%। यदि मैं ये टैक्स कैलकुलेट करता हूं, और ये सारी टैक्स कैलकुलेशन दोस्तों मैंने जो करी है वो विदाउट HEC यानी हायर एजुकेशन सेस के बिना करी है, तो उनको 43,400 रुपीज का टैक्स बचेगा एज कंपेयर टू 1,80,200। जब कोई मेरे सीनियर सिटीजन व्यूअर इस शीट को देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि वाह अनूप जी, ये बेनिफिट तो मेरे को होने ही वाला है अगर मेरी इनकम का स्ट्रक्चर इस इनकम के आसपास है तो। लेकिन हर व्यक्ति की एक अपनी इनकम होती है, इनकम की कंपोजिशन होती है, वो फाइनल कैलकुलेशन आपको अपने CA के थ्रू या टैक्स एडवोकेट के थ्रू करानी चाहिए, या मैं मानता हूं ऑनलाइन भी ऐसी बहुत सी यूटिलिटीज मिलेंगी जिनसे आप ओल्ड स्लैब और न्यू स्लैब का कंपैरिजन कर पाएंगे। यहां एक और एग्जांपल अब मैं सीनियर सिटीजन के लिए रखना चाहता हूं, और ऐसे सीनियर सिटीजन के लिए रखना चाहता हूं जिनकी एज रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर में 80 साल या उससे ज्यादा है। मैंने पिछले एग्जाम्पल के फिगर में कोई चेंज नहीं किया सर, पेंशन इनकम सेम है, रेंटल इनकम सेम है, एफडी इंटरेस्ट इनकम, एसबी इंटरेस्ट इनकम सेम, डिविडेंड इनकम सेम, 15,20,000 उनकी सभी स्रोत से आए मैंने मान ली। अब अगर वो सीनियर सिटीजन जिनकी एज 80 साल या अधिक है, अगर वो ओल्ड स्लैब रेट में रहते हैं तो उन्हें 9,50,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद सैलरी, रेंट 84,000 आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 30%, इंटरेस्ट इनकम 3 लाख, डिविडेंड इनकम 1 लाख, टोटल 14,34,000 रुपीज उनकी ग्रॉस टोटल इनकम हुई। एटीसी में मान लेता हूं उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर लिया 1.5 लाख का, एटीटीटीबी में वो डिडक्शन के ऑलरेडी हकदार हैं। इस प्रकार दोस्तों उनकी टोटल इनकम फाइनली बनी 12,34,000 और टैक्स लायबिलिटी आई उनको 1,70,200, 1,70,200। अगर स्लैब रेट में कोई चेंजेस नहीं होते और पुरानी जो स्लैब रेट थी जो कि वित्त वर्ष 22-23 तक लागू थी, अगर वही स्लैब रेट उनके लिए अब भी लागू रहती तो सर उनको पुरानी न्यू स्लैब रेट के अंदर 1,83,500 टैक्स देना पड़ता, फाइनली उन्हें 13,300 का ज्यादा टैक्स देना होता। तो मान लेते हैं वो सरकार की इस नई स्कीम को एक बार अडॉप्ट करते हैं तो उससे उन्हें क्या बेनिफिट होगा? स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, रेंटल इनकम सेम रही, 3 लाख का इंटरेस्ट इनकम, 1 लाख रुपए का डिविडेंड इनकम, टोटल 1434 की ग्रॉस टोटल इनकम। आप देखिए एटीसी नहीं मिलेगा, एटीटीटीबी नहीं मिलेगा, एटीडी, इस प्रकार का कोई भी सीनियर सिटीजन से रिलेटेड बेनिफिट न्यू स्लैब रेट में नहीं मिलेगा। तो 14,34,000 की इनकम पर नई स्लैब रेट लगा के उन सीनियर सिटीजन महोदय को टैक्स आएगा 1,36,800 विदाउट एचईसी। अब सर उनको 33,400 रुपए का टैक्स बचेगा, यानी
ऐसा होगा कि 80 साल या उससे ऊपर के सीनियर सिटीजन को भी हो सकता है न्यूज लाइबिलिटी में जाकर के टैक्स लाइबिलिटी बचे। यानी अगर हम ये कंक्लूजन बाय डिफॉल्ट निकाल लें कि नहीं साहब, एज अ सीनियर सिटीजन मुझे ओल्ड स्लैबरेट में ही बेनिफिट है, न्यू स्लैबरेट में बेनिफिट नहीं होगा, तो ये मिस इंटरप्रिटेशन हो सकती है। एक्चुअल फैक्ट्स पर जाकर के आपको ये डिटर्मिनेशन करना होगा। ये एक विशेष एडवांटेज है जिसे मैं कह सकता हूं कि हाँ, सीनियर सिटीजन को विशेष रूप से मिल रहा है, चेंज इन मैक्सिमम कैप ऑन इन्वेस्टमेंट इन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। आप सब जानते हैं सर कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में कोई भी सीनियर सिटीजन वरिष्ठ नागरिक 15 लाख रुपए तक की राशि जमा करा के विशेष इंटरेस्ट रेट के हकदार थे। भारत सरकार ने ये थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ा करके 30 लाख कर दी। ये कब से लागू होगी? वित्त वर्ष 23-24 से। इसका बेनिफिट दो होगा। वन, आपको ज्यादा अमाउंट सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जमा कराने को मिल रहा है, तो आपको ज्यादा अवधि के लिए अच्छी इंटरेस्ट रेट मिलने का ऑप्शन मिलेगा। दूसरी बात, जब आप 15 लाख रुपए एक्स्ट्रा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जमा कराएंगे, तो आप उस अमाउंट के लिए एटीसी भी क्लेम कर सकते हैं। हाँ, यदि आप न्यू रिजीम में जाएंगे तो आपके लिए उस परिस्थिति में एटीसी का कोई बेनिफिट नहीं होगा, परंतु फिर भी आप हाई इंटरेस्ट रेट प्राप्त करने के तो हकदार बनेंगे। एक और बात जो सीनियर सिटीजन के बेनिफिट के लिए हो सकती है, हालांकि ये बेनिफिट सबके लिए लागू है, चेंज इन मैक्सिमम कैप ऑन मंथली इनकम स्कीम ऑफ द पोस्ट ऑफिस। ये क्या है सर? कि पोस्ट ऑफिस मंथली स्कीम की जो लिमिट है उसको एनहांस कर दिया गया 4 लाख रुपए पर पर्सन से 9 लाख रुपए, और जॉइंट होल्डिंग के केस में उस लिमिट को एनहांस कर दिया गया 9 लाख से 15 लाख। तो एज अ सीनियर सिटीजन कोई भी भारत के नागरिक इसका बेनिफिट उठा सकते हैं कि वो मंथली इनकम स्कीम में एक हायर अमाउंट डिपॉजिट करके अपनी इंटरेस्ट की रेगुलर इनकम भी सुनिश्चित कर सकते हैं। फाइनली दोस्तों, मैं ये बात जरूर मानूंगा कि ओल्ड स्कीम में सीनियर सिटीजन्स को कोई विशेष बेनिफिट हुआ ही नहीं है, एक्सेप्ट 15 लाख से लेकर के 30 लाख सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को बढ़ाना, जिसका आपको एक बारगी लाभ मिलेगा इन टर्म्स ऑफ एटीसी लिमिट। इसके अलावा अगर आप न्यू स्लैबरेट में जाएंगे तो हो सकता है आपको टैक्स बेनिफिट एज कंपेयर टू ओल्ड स्लैबरेट से मिले। मेरा निवेदन यह रहेगा कि एज अ सीनियर सिटीजन आप अपनी टैक्स लायबिलिटी ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम में कैलकुलेट करेंगे, और जो भी आपको फाइनल टैक्स लायबिलिटी कम आएगी वो आपको रिटर्न के थ्रू टाइमली रिटर्न भरते हुए ऑप्शन क्लेम करते हुए भरना होगा। ये बात क्लियर मैं करना चाहूंगा सीनियर सिटीजन नागरिकों को भी कि भारत सरकार ने अब बाय डिफॉल्ट न्यू स्कीम अप्लाई कर दी वित्त वर्ष 23-24 से। यानी अगर आप ओल्ड स्कीम में कम टैक्स देने में हैं तो आपको ओल्ड स्कीम स्पेसिफिकली ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न से पहले ऑप्ट करनी पड़ेगी। अगर आप ऑप्ट नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आप न्यू स्लैबरेट में रहेंगे। तो ये एक विशेष बात सीनियर सिटीजन्स को यहां पे ध्यान रखनी है। आई होप ये वीडियो सीनियर सिटीजन्स को उनकी सेवा करने में मेरी ओर से सहायक रहेगी। यदि उनके कोई प्रश्न हो तो वो मुझे लिख सकते हैं। मुझसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।